पृथ्वी महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववामयम् आहार्यं चंद्रतारादि तं नमस्सात्विकं शिवं तं नमस्सात्विकं शिवं तं नमस्सात्विकं शिवं गणपति बाप्पा और बाती हम की दीपिका सिंह गोयल आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर कर रही है अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा का स्वागत, जहां आरती गाकर दीपिका का पूरा परिवार कर रहा है गणपति बाप्पा से प्रार्थना। इसी के साथ बना रही है दीपिका गणपति बाप्पा के लिए ढेर सारे मोदक। आप भी देखिए दीपिका के गणपति बाप्पा की ये पूजा। नमस्ते। तो फाइनली हमारे घर पर पापा को मेरे पति थे, हमारी पूरी फैमिली सब मिलकर हम ले आए हैं। और इस बार के जो गणेश चतुर्थी है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत अलग है हर बार से। जो डेकोरेशन है वो खुद मेरी देवरानी और मेरे हस्बैंड ने, रोहित ने जो अपना क्रिएटिव माइंड लगा के जो है फाइनली इतनी सुंदर जो है डेकोरेशन की है। तो जब वो लोग डेकोरेशन कर रहे थे तब मैं मिठाई बना रही थी पापा के लिए। तो इस बार स्पेशल जो भोग है वो ये है कि मेरे ट्रेडिशनल मोदक बनाए हैं पापा के लिए, जो पहली बार बनाए हैं और अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। आई होप अच्छे लगे सबको। और ये बेसन की बर्फी बनाई है जो है पापा के लिए। दो स्वीट्स मैंने कल बनाई है पापा के लिए, और बेसन की स्वीट तो मुझे बहुत डिलीशियस लगी ऑनेस्टली। सो यस, और ये सारी तैयारी जो है बिकॉज अभी मार्केट में फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई हैं। बट रोहित का क्रिएटिव माइंड ने काम किया और इतनी सुंदर फिर भी हमने, और इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपनापन है, एक ये अच्छी बात है। और मैं तो सोच रही हूँ कि आने वाले सालों में भी मैं रोहित को ही बोलूँ और सृष्टि को ही बोलूँ डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा अपनापन है। बहुत मुझे बहुत सुंदर लगी ये डेकोरेशन। और बाकी पापा से यही मांगती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोविड खत्म हो, ये कोरोना वायरस फिनिश हो, बिकॉज इस बार हम अपने फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली भी दिल्ली गई हुई है तो सबको इनवाइट नहीं कर पाए जो है कोविड के चलते। तो बस ये खत्म हो जल्दी से जल्दी, यही मैं मांगती हूँ पापा से, ताकि हम सबके बिजनेस और अपना काम धंधे जो और भी जगह से पहले चलते थे वैसे चले, और सब लोग खुश रहे और हम सबको इनवाइट कर पाए अगले बार गणेश चतुर्थी पे, जिस तरह से हम हर बार सेलिब्रेट करते थे। तो इस बार हम बाहर भी विसर्जन के लिए नहीं जा रहे हैं, घर में ही विसर्जन कर रहे हैं। तो बाहर जाने से एक फ़ायदा होता था कि खूब ढोल पे डांस करते हुए जाते थे तो वो एक मज़ा था। डांस तो अभी भी होने वाला है पक्का, मगर ये है कि अभी ढोल वाले नहीं हैं। कल भी जैसे हम लेकर आए गणपति पापा को, खूब शोर से लेकर आए, बट कई सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो पहले हमने की और इस बार जो है। बट स्टिल एक्साइटमेंट वही है, प्यार वही है, और पापा का आशीर्वाद वही है, और घर में चहल पहल वही है, खुशियाँ वही है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गणपति पापा को कि इतनी सारी एक्सट्रीम मतलब एडवर्स सिचुएशन के बाद भी यू नो सब में एकता है, यूनिटी है, उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। तो गणपति पापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। आपको कैसी लगी दीपिका की गणपति बाप्पा की पूजा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।